दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के फैन हैं और उन्हें महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई बनेगी आईपीएल 2024 के चैंपियन। अब सुरेश रैना ने लगाई है दहाड़, तो वहीं डिविलियर्स से लेकर गेल ने आरसीबी पर दोबारा से खेला है दांव। जी हाँ, बेंगलुरु और चेन्नई के महामुकाबले से पहले अब चेन्नई और बेंगलुरु के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अब कौन सी टीम इस मैच की बनेगी चैंपियन इसकी भविष्यवाणी करते हुए अपने बयानों से भारतीय क्रिकेट को दो हिस्सों में बांट दिया। तो आखिर किसने किया विराट कोहली का सपोर्ट, कौन है धोनी के साथ, रैना, गेल से लेकर वॉटसन और ब्रावो जैसे खिलाड़ियों ने अब क्या कहा, उन सभी के बयान हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी और कोहली में कौन अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाएगा, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ की आगामी जंग में अब प्लेऑफ की दौड़ रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दी है। 66 मुकाबलों की उठा पटक और घमासान के बाद अब हमें प्लेऑफ के तीन दावेदार राजस्थान, कोलकाता और हैदराबाद मिल चुके हैं, जिसके बाद अब केवल प्लेऑफ की आखिरी यानी कि चौथी पोजीशन शेष रह गई है। इस स्थान के लिए आखिरी जंग अब एक कांटे का आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाने वाला है, जो हमें प्लेऑफ की चौथी टीम से अवगत करवाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों टीमें किसी भी कीमत पर ये प्लेऑफ खेलना चाहती हैं। लगातार अपने पिछले 5 मैचों में विजय पताका लहराने वाली बेंगलुरु ने अपने प्लेऑफ की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं और आरसीबी फिलहाल 12 अंकों के साथ अंक तालिका में 7वें स्थान पर है। उनका रन रेट +0.387 का है, जो कि चेन्नई से काफी कम है। 18 मई को आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में आरसीबी का सामना सीएसके से होगा, वो भी उनके होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में। अगर विराट की टीम चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करते हुए हरा देती है तो उनका नेट रन रेट सीएसके से अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा उनके खाते में 14 अंक हो जाएंगे और वो आसानी से प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन उसके लिए उन्हें या तो चेन्नई के दिए हुए लक्ष्य का 18 ओवर में पीछा करना होगा या फिर चेन्नई को कम से कम 18 रनों के अंतर से हराना पड़ेगा। यानी कि आरसीबी चेन्नई के बीच शनिवार को आईपीएल 2024 का सबसे तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 13 मैचों में 7 जीत के साथ चेन्नई अंक तालिका में चौथे पायदान पर है। टीम के खाते में 14 अंक है और उनका नेट रन रेट +0.52 का है। अगर इस मैच में गायकवाड़ की टीम जीतती है तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं मैच हारने पर उन्हें कम से कम बेंगलुरु को 18 ओवर से पहले या फिर 18 रनों के अंतर से मैच नहीं हराना है। इस स्थिति में सीएसके ने नेट रन रेट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और बेंगलुरु जीत कर भी प्लेऑफ से बाहर हो सकती है, इसीलिए उन्हें भी बेंगलुरु के खिलाफ ये मुकाबला जीतना किसी भी कीमत पर जरूरी है। मतलब ये कहे कि बेंगलुरु और चेन्नई का मैच करो या मरो का मुकाबला है तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी तो इस मुकाबले के लिए हर कोई काफी एक्साइटेड है, जहां केवल जीत ही इन दोनों टीमों को प्लेऑफ का टिकट दिलवा सकती है और हार जिसकी भी होगी वो इस जंग में सब कुछ हार जाएगा और प्लेऑफ से हाथ धो बैठेगा। तभी तो इस रोमांचक मुकाबले के लिए पूरी दुनिया इतनी एक्साइटेड है, कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। यहाँ तक कि अब दोनों टीमों के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भी इस पर अपनी टिप्पणी कर दी है। किसी ने धोनी का साथ दिया तो किसी ने विराट को चैंपियन बताया। तो चलिए हम आपको इन सभी दिग्गजों के बयानों को दिखाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो विराट कोहली के सच्चे दोस्त डिविलियर्स ने कहा कि यही तो आईपीएल की खूबसूरती है। आप अंतिम दौर तक नहीं बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, कि आईपीएल अब तक शानदार रहा है। मैं अपनी टीम से सबसे ज्यादा इम्प्रेस हूँ क्योंकि लगातार वो 5 मैच जीत कर आ रहे हैं। इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए ये चुनौती आसान नहीं होगी। धोनी उन्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे, फिर भी मैं अपना दांव बेंगलुरु पर खेलना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि विराट अपनी टीम को प्लेऑफ में ले जाए और पहली बार आईपीएल चैंपियन भी बनाए। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एबी ने अपने चहेते विराट कोहली को अपना आशीर्वाद तो दे दिया है। तो वहीं सिक्सर किंग क्रिस गेल का तो ये तक कहना है कि चेन्नई और बेंगलुरु का मैच डिसाइडर होने वाला है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। मेरा दिल कह रहा है कि बेंगलुरु जीते, लेकिन सच कहूं तो चिन्नास्वामी के मैदान पर जो भी टीम अच्छी बॉलिंग करेगी वही जीतेगी। फिलहाल बेंगलुरु की फॉर्म कमाल की है। दूसरी तरफ चेन्नई के टॉप 2 बॉलर बाहर हो चुके हैं और ऐसे में चेन्नई के लिए ये मैच जीतना मुश्किल है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भले ही बेंगलुरु का पलड़ा भारी है, पर चेन्नई से हमें बचकर रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों बेंगलुरु के सुपरस्टार्स के साथ अपनी टीम को आधा सपोर्ट करने के बाद अब चेन्नई के बहुत बड़े दिग्गज ड्वेन ब्रावो ने कह दिया कि मुझे लगता है कि भले ही चेन्नई के पास अभी अपर हैंड है, लेकिन बेंगलुरु की क्रिकेट टीम उनसे ये स्पॉट छीन सकती है। वो परिस्थितियों से अच्छी तरीके से वाकिफ है, ये उनका मैदान है। यदि बेंगलुरु यहाँ नहीं जीतेगी तो फिर कब जीतेगी। लेकिन धोनी से पार पाना उनके बस की बात नहीं, मुझे लगता नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि चेन्नई ये मुकाबला जीतने वाली है, क्योंकि माही भाई हमें कभी भी हारने नहीं देंगे। तो दोस्तों, केवल ये तीनों दिग्गज ही नहीं बल्कि जाते जाते अब धोनी के छोटे भाई बन चुके चिन्ना थाला
सुरेश रैना का कहना है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि माही भाई चेन्नई को प्लेऑफ में ले जा रहे हैं। हालांकि मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं बेंगलुरु भी प्लेऑफ में जाए, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हैदराबाद अपने दोनों मैच हार जाए और वो मुझे काफी मुश्किल लगता है। इसीलिए मैं चेन्नई पर दांव लगा रहा हूं और धोनी भाई पर भरोसा जताना चाहूंगा। हो सकता है कि ये उनका लास्ट आईपीएल हो, जाते जाते वो चेपॉक के मैदान पर आईपीएल जीत कर जाए और उससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। ऑल द बेस्ट चेन्नई बॉयज। यहाँ तक कि अब शेन वॉटसन का तो ये तक कहना है कि भले ही बेंगलुरु अब तक जीत दी आई है, लेकिन चेन्नई अब उनके जीत का सफर समाप्त कर उन्हें प्लेऑफ से बाहर करने वाली है। हालांकि मेरा दिल चाहता है कि बेंगलुरु जीते, लेकिन ऐसा होना काफी मुश्किल है। 99% मुझे लगता है कि चेन्नई ये मुकाबला जीत चुकी है, बस 1% फॉर्मेलिटी है, वो भी जल्दी पूरी होने वाली है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि बेंगलुरु कोई चमत्कार कर दिखाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों, अब चेन्नई और बेंगलुरु के मैच से पहले पूरा क्रिकेट जगत दो हिस्सों में बंट चुका है। सभी अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, धोनी और विराट कोहली में कौन अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचा पाएगा, कौन मारेगा इसमें बाजी, कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें।